Hello students, today we will discuss on sodium hydroxide. Sodium hydroxide क्या है, उसका formation क्या है और उसके uses क्या है, ये सभी चीज देखेंगे आज हम अपने इस topic में. Sodium hydroxide जिसका common name क्या है, caustic soda. घरों में आपने कई बार सुना होगा कि कॉस्टिक सोडा लेके आए हैं, किसी चीज को डीग्रीसिंग करना है या वाल्स को साफ करना है उसके लिए. केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और अगर इसका केमिकल फार्मूला देखें तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल फार्मूला. अब इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं कि ये बनेगा कैसे. बनने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो है सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो घरों में हम यूज करते हैं, उसके एक्वस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है ब्राइन का. उसमें से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो क्या बनती है, तीन चीजें बनती है हमारे पास में. कौन सी बनती है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनती है. क्या है, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसको ब्राइन कहते हैं, उसमें से जब हम बिजली पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, एग्जाम के अंदर आता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन. और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है. क्यों, यहां पे जो क्लोर शब्द आया है, क्लोर वो आया है क्लोरीन के कारण से, क्लोर को क्लोरीन के लिए यूज किया गया है, और जो एल्कली आया है ये आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को. बिकॉज वी नो दैट ऑल वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज, इसीलिए एल्कलीज शब्द आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये बेस है, और जो क्लोरीन है उसके लिए आया है क्लोर शब्द. सो इट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. अब हम इसके यूजेज देखते हैं कुछ एक. यूजेज में क्या है हमारे पास में, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका हम यूज कहां पे करें. सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा यूज और सबसे बेस्ट यूज है सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में. सोप और डिटर्जेंट्स जो हैं उनके बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का काफी अहम रोल है, जिसको हम कार्बन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे. दूसरी चीज क्या है, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है. तीसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में जिसे हम एल्यूमिनियम मेटल प्राप्त करते हैं उसमें इसका अहम रोल है. तीसरा है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी मेटल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए लेके जा रहे हैं, यदि उसके ऊपर कुछ इंप्योरिटीज होंगी तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो इतनी अच्छे से उसके ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए वो सारी इंप्योरिटीज, जितना भी कोई ग्रीस वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स है, कोई भी चीज है, उसको डीग्रीसिंग करने के लिए हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा है, एक टॉपिक है हमारे पास में साल्ट्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, केमिकल फार्मूला क्या है NaOH, फिर उसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में दो और चीजें हमें प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन. उसके बाद में प्रोसेस आती है कि व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन इट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्योंकि क्लोर किसके लिए यूज होता है, क्लोरीन के लिए, और एल्कली शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के लिए. और फिर उसके यूजेज जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, या आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के काम भी आता है, जैसे रेयन जो होता है, रेयन जो आपका एक आर्टिफिशियल फाइबर है रेयन, वो भी
सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण बनता है। पेपर इंडस्ट्री में पेपर उद्योग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन, जहां से हमें मेटल एल्यूमिनियम प्राप्त करनी है, और कुछ मेटल्स की डीग्रीसिंग करने के कारण बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक टॉपिक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि हमने एक रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड से लेके तैयार किया है। यानी कि आपको सोडियम क्लोराइड बहुत सारे साल्ट्स के अंदर आज ये रॉ मटेरियल दिखाई देगा, जिससे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इट इज क्लियर ना।